हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की फोर्थ पोएम जो है हैव यू अर्न योर टुमारो। इस पोएम को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। इसका मतलब है कि इस पोएम को हम स्टैंजा वाइज समझेंगे, साथ ही साथ इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, कौन से राइमिंग वर्ड्स है और इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करते हैं। 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो, इस पोएम को डिटेल में समझने के लिए। क्लास 12th उसमें से फोर्थ पोएम क्लास 12th की हैव यू अर्न योर टुमारो, इस पोएम को लिखा था एडगर गेस्ट इन्होंने। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है एडगर गेस्ट के बारे में, तो हम सबसे पहले समझ लेंगे। अभी ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है पोएट का। जब आप एप्रिसिएशन लिखेंगे, ओके, एट द टाइम आपको क्या होना, क्या करना पड़ता है, तो अबाउट द पोएट, इसका मतलब पोएट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जब आपको पोएट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो आपको ये पैसेज जो है वो वहाँ पर काम आ सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझ लेंगे। देखिए क्या दिया है, एडगर गेस्ट जिनका जन्म हुआ था 1881 को और वो डाइड हुए 1959 को, इसका मतलब उनका देहांत हो गया 1959 को। तो इन्फॉर्मेशन दिए, देखो, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, उनका जन्म जो था इंग्लैंड में हुआ था, एंड वॉज ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन ही वॉज 10 ईयर ओल्ड, और वो जब 10 साल के थे तब उन्हें यूनाइटेड स्टेट में लाया गया था, ओके। ही बिगन हिज राइटिंग करियर इन 1895 एट द एज ऑफ 14, ओके। उन्होंने अपना जो लेखन का करियर है उसकी शुरुआत 1895 में, जब वो 14 साल के थे, 14 ईयर के थे, तब उस उम्र में उन्होंने की थी। इसका मतलब जब वो 14 ईयर के थे, 14 साल के थे, तब उन्होंने उनका राइटिंग करियर शुरू किया था, कब, 1895 को, ओके। एडगर गेस्ट इज नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन फॉर ऑफ राइटिंग, ओके। अभी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और स्टाइल का मतलब होता है शैली। तो इसका मतलब है, इस लाइन का पूरा मतलब होता है कि एडगर गेस्ट को उनकी सरल शैली, सिंपल मीन्स सादी, सिंपल सरल उनकी जो सादी शैली है, और आशावादी जो उनकी टोन है, ओके, इसकी वजह से उन्हें क्या, किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें पीपल्स पोएट, इसका मतलब है कि लोगों के कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है, ओके, उनकी ये स्टाइल की वजह से। गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अभी वो जो है केस जो है, जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र से हम कहते हैं, मैगजीन्स मीन्स पत्रिका, उनके लिए लेखन का काम करते थे। दिस इज एन इंस्पायरेशनल पोएम, यह जो पोएम है वो प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी ऐसी कविता ही है। इन दिस पोएम, और इस कविता में, द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनी थिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर अनादर ह्यूमन बींग और नॉट। इस कविता में जो स्पीकर है, इसका मतलब पोएट जो है, वो क्या कर रहा है, तो रीडर्स को, रीडर्स मीन्स पाठकों को, वो ये पूछ रहा है कि क्या उन्होंने दूसरे इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है या नहीं, ओके। दूसरे जो इंसान है उनका जो जीवन है, उन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है कि नहीं, ऐसा वो जो स्पीकर या फिर पोएट जो है वो पूछ रहा है इस पोएम के माध्यम से। इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट, ये आप पर निर्भर करता है कि आपका भविष्य बेहतर होगा या नहीं, ओके। देयरफोर, इसलिए, वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर बेटर फ्यूचर। इसलिए क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति को अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान से विचार करना चाहिए और बेहतर भविष्य के लिए उसी के अनुसार योजना बनानी चाहिए, ओके। समझ में आ गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है थोड़ी सी पोएम के बारे में है, जो से नेक्स्ट का जो पैसेज है वो थोड़ा सा पोएम के बारे में हमें बता। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम ये जो पोएम है वो तीन पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है और कितने लाइन्स है, ये सब डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद हम पोएम को अच्छे से समझेंगे, उसके स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, उसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मगर डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। तो देखिए, टोटल जो ये जो पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो, इसमें आपको चार स्टांजा दिखाई देंगे, और हर एक जो स्टांजा है वो कितने लाइन का है, 4 लाइन का। इसका मतलब कि टोटल 16 लाइन इस पोएम में है, ओके। और इसका अगर ये देखा जाए राइमिंग स्कीम, तो इसका राइमिंग स्कीम, अभी जब राइमिंग स्कीम हम निकालते हैं, तो आपको याद रखना है कि
कोई जो स्टांजा है उसका जो लास्ट वर्ड है उसे आपको कंसिडर करना है। जैसे कि पहला जो स्टांजा है उसमें जो लास्ट वर्ड आए हैं वो कौन से है, वे, टुडे, थ्रू और यू, तो ये अब हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। ओके, तो फर्स्ट स्टांजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है, वे को हम कहेंगे ए, टुडे को हम कहेंगे ए, क्योंकि ये राइम कर रहे हैं राइमिंग वर्ड से ही, वे टुडे। थ्रू यू, थ्रू को हम कहेंगे बी और यू को हम कहेंगे बी, तो पहले स्टांजे का राइमिंग स्कीम हो गया ए ए बी बी, और राइमिंग वर्ड से वे टुडे और थ्रू यू। सेकेंड स्टांजा है, सेकेंड स्टांजा की राइमिंग स्कीम रहेगी अलोंग, अलोंग को हम कहेंगे सी, थ्रोंग को हम कहेंगे सी सी सी। ओके, और वे को हम कहेंगे ए, टुडे को हम कहेंगे ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम बन गई सेकेंड स्टांजा की सी सी ए ए। ओके, तो ये रही सेकेंड स्टांजा की राइमिंग स्कीम, और इसके जो राइमिंग वर्ड्स है वो कौन से है, तो अलोंग, थ्रोंग, ये रहा पहला, और दूसरा जो राइमिंग वर्ड है वो है, वर्ड्स है वो है वे, टुडे। ओके, तीसरा स्टांजा जो है उसकी राइमिंग स्कीम क्या रहेगी, देखो उसके लिए हमें लास्ट के वर्ड्स कंसिडर करने पड़ेगी, जैसे कि हमने फास्ट कंसिडर किया है और पास्ट कंसिडर किया है, तो फास्ट को हम कहेंगे डी और पास्ट को हम कहेंगे डी। ओके, और सेड, सेड को हम कहेंगे ई, अहेड को हम कहेंगे ई, तो इसका मतलब है कि इसका राइमिंग स्कीम बन गया डी डी ई ई, और इसके राइमिंग वर्ड्स कौन से रहेंगे, तो फास्ट पास्ट सेड अहेड, और लास्ट का जो स्टांजा है फोर्थ स्टांजा उसकी राइमिंग स्कीम रहेगी स्पेंड, स्पेंड को हम कहेंगे एफ और डिस्कंटेंट को हम कहेंगे एफ, और से को हम कहेंगे ए, टुडे को हम कहेंगे ए, इसका मतलब कि लास्ट का जो स्टांजा है उसकी राइमिंग स्कीम रहेगी एफ एफ ए ए। ओके, तो ये राइमिंग स्कीम रहेगी लास्ट के स्टांजा की, और उसके राइमिंग वर्ड्स रहेंगे स्पेंड, डिस्कंटेंट और से टुडे। ओके, ये रहेंगे इसके राइमिंग वर्ड्स। शॉर्ट में फिर से एक बार बता रहा हूँ, समझ लीजिए, इस पोएम की राइमिंग स्कीम रहेगी फर्स्ट स्टांजा ए ए बी बी, सेकेंड स्टांजा सी सी ए ए, थर्ड स्टांजा डी डी ई ई, फोर्थ स्टांजा एफ एफ ए ए, ये राइमिंग स्कीम इसकी है, और मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स भी बोले हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो है इस पोएम को हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं स्टांजा वाइज। ओके, चलिए फिर अभी पोएम को डिटेल में समझ लेते हैं। तो क्या टाइटल है देखो पोएम का, हैव यू अर्न योर टुमारो, इसका मतलब है कि क्या आपने अपना कल कमाया है। ओके, अर्न मीन्स कमाना और टुमारो मीन्स कल, यू नो दैट, आने वाला कल। तो क्या दिया है, पहला जो स्टांजा है चार लाइन का है, फोर लाइन का है, तो उसे सबसे पहले समझ लेंगे। तो क्या दिया है देखिए, इज एनी बडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे। ओके, इसका मतलब है क्या कोई खुश है क्योंकि आप उससे मिले हैं। ओके, या फिर आप उससे मिले हैं इसकी वजह से कोई, क्या कोई खुश है, इस तरह का क्वेश्चन पोएट पूछ रहा है। डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे, क्या किसी को याद है कि आपने आज उससे बात की थी। ओके, रिमेंबर मीन्स याद रखना। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू, मैंने अभी ये जो दिन है ये लगभग खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ओवर मीन्स खत्म हो चुका है, एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू, टॉयलिंग टाइम का मतलब दिया यहाँ पे टाइम स्पेंड इन हार्ड फिजिकल वर्क। ओके, जो फिजिकल वर्क में मेहनत करने के लिए जो टाइम स्पेंड होता है उसे हम टॉयलिंग टाइम कहते हैं, तो मेहनत करने का जो टाइम है वो भी अभी खत्म हो चुका है। इज देयर एनी वन, इसके बाद कभी पूछता है कि इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, क्या कोई आपको आपकी अपनी जो दयालु है उन शब्दों के लिए याद करता है, इसका मतलब है आपने किसी से अगर कोई दयालु भाव में या फिर एक कृतज्ञता पूर्वक कोई शब्द यूज़ किए हैं, काइंडली आपने किसके साथ शब्द शब्द यूज़ किए, किसके लिए, तो वो आपकी, आपने जो दयालु शब्द यूज़ किए उसके लिए कोई आपको याद करता है, इस तरह से पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सेकेंड स्टांजा की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो सेकेंड स्टांजा में क्या बताया है, डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग, चेयरफुल ग्रीटिंग मीन्स हंसकर स्वागत करना, टू द फ्रेंड, किसे, दोस्त का, हु केम अलोंग। ओके, अभी यहाँ पे कभी पूछ रहा है कि क्या आपने अपने मित्र का पूरे दिल से हंसकर स्वागत किया है, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हॉडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। ओके, चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है रूड। ओके, बदतमीज, असभ्य, उद्धट जिसे हम कह सकते हैं। हॉडी, हॉडी मीन्स क्या है, तो कैसे हो, एक हाय हेलो करना और बाद में नजर नजर एक इनफॉर्मल वे से किसी से मिलना, हाय हेलो, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो उसे हम कह सकते हैं हाउडी मीन्स कैसे हो, ये पूछना एक तरह का। ओके, तो इसका मीनिंग हो रहा है यहाँ पे, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हॉडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या आप ऐसा आपने एक चर्लिश सॉर्ट ऑफ हॉडी, चर्लिश मीन्स एक असभ्य वर्तन।
ओके, बदतमीज भरा वर्तन की कैसे हो भाई, ऐसा करके आप क्या भीड़ में गायब हो गए हो। थ्रॉन्ग मीन्स भीड़, क्राउड जिसे हम कहते हैं। तो ये एक किस तरह से बिहेवियर, ये तो चर्लिस है, एक उद्धट, ओके, अशिष्ट, ओके, असभ्य से बिहेवियर है। हाउडी करके ऐसे इनफॉर्मली किसी को हाई कहना और क्या होना था वहाँ से निकल जाना इस तरह से आप, या फिर आपने हंसकर स्वागत किया दोस्त का, या फिर ऐसे ही सिर्फ हाई हेलो करके वहाँ से आप भीड़ में गायब हो गए हो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पोएट पूछ रहा है। वैनिश मीन्स गायब होना। ओके, वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे, क्या आज आपने किसी के साथ स्वार्थ से और लापरवाही से व्यवहार किया है। ओके, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। ओके, रश अलॉन्ग मीन्स लापरवाही। तो क्या आपने आज किसी के साथ स्वार्थ और लापरवाही से भरा व्यवहार किया है, इस तरह से पोएट इस तरह से क्वेश्चन पोएट पूछ रहा है। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर डिड यू डिड टूडे, अभी डिड का मतलब होता है कि कोई तो भी काम करना, तो इसका मतलब है कि आपने जो कुछ काम किया है उसके लिए किसी ने आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है क्या। ओके, ग्रेटफुल, माइटी ग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञता किसी ने व्यक्त की है क्या, जो कुछ आपने काम किया है आज इसके लिए। ओके, ऐसा भी पोएट वहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्ड स्टांजा की तरफ बढ़ते, क्या दिया देखो, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट डेज दैट्स स्लीपिंग फास्ट, आज रात को, या फिर अभी ये जो रात का समय, इस समय आप ऐसा कह सकते हैं क्या, ये जो दिन है जो बहुत बहुत जोर से या फिर बहुत फास्ट में ये गुजरा है या फिर खत्म हो गया है, तो उस रात को आप कह सकते हैं क्या, कि क्या कह सकते हैं आप, या फिर पूरी ईमानदारी से आप ऐसा कह सकते हैं क्या, कि दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास, जितने भी बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं उसमें से आपने किसी एक को भी मदद की है क्या। ओके, सिंगल ब्रदर मीन्स किसी भी एक को भी आपने उसमें मदद की है क्या, जितने भी लोग आपको दिन भर मिले तो आप शाम को या फिर दिन के अंत में ऐसा कह सकते हैं कि आपने किसी को मदद की है क्या, इस तरह के क्वेश्चन पोएट वहां पे पूछ रहा है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड, अभी इज अ सिंगल हार्ट, सिंगल हार्ट, हार्ट मीन्स दिल। ओके, रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मीन्स हम उसे कह सकते हैं कि खुश होना। ओके, तो पोएट यहां पे पूछ रहा है कि आपने जो किया है उससे किसी का दिल खुश हुआ है क्या, या फिर जो जो कुछ चीज आपने कही है उसकी वजह से किसका दिल खुश हुआ है क्या, इस तरह से क्वेश्चन यहां पे पोएट पूछ रहा है। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ, ऐसे किसी निराश व्यक्ति के मन में, ओके, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जो है सब आशाएं क्या हो गई, तो खत्म हो गई है, वो पूरी तरह से निराश हो गया है अभी, विथ करेज लुक अहेड, और आपने उसमें एक हिम्मत भरी है क्या, उसे आगे बढ़ने के लिए उसमें एक उसके लिए आप उसको आपने हिम्मत दी है, या फिर उसके लिए कोई उम्मीद की किरण आपने जगाई है क्या, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पोएट पूछ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो क्या है तो पूरी उम्मीदें हार चुका है, या फिर वो पूरी तरह से निराश हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने एक उम्मीद या फिर उसके उसमें एक हिम्मत आपने भरी है क्या। ओके, उसी बात का जो लास्ट ट्रांजा है वो क्या दिया देखो, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, अभी यहाँ पे पोएट पूछ रहा है कि क्या आपने दिन बर्बाद किया, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, और लूज इट मीन्स इसे खो देना या गवा देना, ये जो दिन है उस दिन को आपने बर्बाद किया था या फिर उसे खो दिया था, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, क्या इस दिन को आपने अच्छी तरह से या फिर व्यर्थ खर्च किया है किया था, इसका मतलब है वॉज इट वेल, क्या आपने इस दिन को अच्छी तरीके से खर्च किया है या फिर सोरली स्पेंड, सोरली मीन्स व्यर्थ खर्च किया है, इस तरह से पोएट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, ओके, अब यहाँ पे स्कार का मतलब होता है निशान छोड़ना, ओके, काइंडनेस मीन्स दयालुता, तो इसका मतलब हो रहा है कि क्या आपने दयालुता का निशान या असंतोष का निशान छोड़ा है। ओके, असंतोष, डिसकंटेंट मीन्स असंतोष, पोएट यहां पूछ रहा है कि आपने कौन सा निशान छोड़ा है, दयालुता का निशान छोड़ा है या फिर असंतोष का, बुरा बर्ताव किया है अच्छा बर्ताव किया है पूरे दिन में, यहां पे ऐसा पोएट पूछ रहा है। लास्ट के दो लाइन में पोएट क्या कह रहा है देखिए, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, जब जैसे ही आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि भगवान आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे, स्लम्बर मीन्स नींद, सो जाना, आंखें बंद करना नींद के लिए, जब तब आपको गॉड ऐसा कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, ओके, आपने जो आज काम किया है इसकी वजह से आपको और दिन जीने के लिए मिले हैं, या फिर आपने एक और दिन क्या किया है तो जीने के लिए आपने कमाया है, ऐसा आपको
भगवान बोलेंगे क्या या फिर पूछेंगे क्या, तो ये सब डिपेंड रहेगा हमारे बिहेवियर पे। ये जो सब क्वेश्चंस पोएट ने पूछे तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सब चीज़ हमें करनी चाहिए। ओके, हमें लोगों को मदद करनी चाहिए, किसी के दिल को हमने क्या करना चाहिए तो खुशियों से भरना चाहिए। ओके, हमारा दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हमें इसे अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहिए, ये सब चीज़ें है। ओके, सिर्फ हॉडी की तरह हमें सिर्फ लोगों को मिलकर वैनिश हो जाते किसमें थ्रॉन्ग में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड, तो हमें सबसे अच्छे से बात करनी होगी, सबसे अच्छे से बर्ताव करना होगा, तब जाकर आप क्या आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने क्या किया तो एक और दिन कमाया है मेरे लिए। ओके, यहाँ पर ये पोएम जो है अपनी ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो अभी हम समझेंगे कि इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं। ओके, तो देखिए पहला स्टांजा है, उसमें से पहली लाइन दिख रही, देखो, इज एनी बडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे। यहाँ पे आपको दिखा देगा इंट्रोगेशन, ये जो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है आपको आप दिखाई देगा। अब इंट्रोगेशन का मतलब होता है पोएटिक डिवाइसेस, ये एक पोएटिक डिवाइस है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, वेयर जहाँ पे द पोएट आस्क अ क्वेश्चन, जहाँ पर पोएट जो है क्वेश्चन पूछता है, नॉट टू ऑब्टेन आंसर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब उसे आंसर चाहिए ऐसा नहीं है, बट टू एम्फसाइज अ पॉइंट। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है तो एक जो पॉइंट है उस पर एम्फसाइज देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए। ओके, तो इसके लिए पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आंसर की अपेक्षा नहीं है वहां पर। तो ये जो पहला जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा किसका, तो इंटरोगेशन का। ओके, साथ ही साथ ये मेटाफर का भी है क्योंकि एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है किसके बीच में, तो पासिंग समवन सुए और इंटरैक्टिंग विद समवन, किसी के साथ बात करना, और जिससे पासिंग समवन सुए जो है ये कंपेयर किया गया इनडायरेक्टली किसके साथ, तो इंटरैक्टिंग विद समवन, इसके लिए ये एग्जाम्पल रहेगा फिगर ऑफ स्पीच का, कौन से मेटाफर का। उसकी बात की जो लाइन है, डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे, ये भी एग्जाम्पल रहेगा इंट्रोगेशन का। अभी इंट्रोगेशन को पहचानना बहुत सिंपल है, क्या होता है तो पोएम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो डेफिनेटली दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच, बट कौन से वाला, तो दैट इज द इंट्रोगेशन। अंडरस्टैंड, उसके बाद की जो लाइन आपको दिख रही है कौन सी, वो थर्ड, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉलिंग टाइम इज थ्रू। ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा अलिट्रेशन, टॉयलिंग टाइम टी टी, यहाँ पे साउंड टी रिपीट हुआ है, टॉयलिंग का टी और टाइम का टी। ओके, तो ये एग्जाम्पल देगा किसका, तो अलिट्रेशन का। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है, वो है पर्सनिफिकेशन, क्योंकि टाइम को जो है वो क्या किया गया, तो ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, एनिमेट क्वालिटीज दी गई है, कौन सी, तो टॉयलिंग की, काम कौन करता है तो ह्यूमन करता है, मगर यहाँ पे बताया कि टॉयलिंग टाइम, अंडरस्टैंड, तो एक टाइम को ये टॉयलिंग वर्ड यूज किया गया टाइम के लिए, तो एनिमेट क्वालिटी है ये किसी दी गई तो टाइम को, देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद इसी लाइन में आपको और एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है टोटोलॉजी। ओके, टोटोलॉजी कैसे है, तो ओवर और थ्रॉन्ग, सॉरी ओवर एंड थ्रू, ये जो दो वर्ड है उसका सेम मीनिंग होता है, और दोनों का सेम मीनिंग क्या है, तो कम टू एन एंड, तो खत्म करना या फिर खत्म होना। ओके, खत्म करने के लिए जाना। ओके, तो ये दोनों का सेम मीनिंग है, तो ये बन गया टोटोलॉजी। अंडरस्टैंड, तो ये अलंकार आपको दिखाई देंगे यहाँ पर तीनों लाइन में। उसके बाद का जो लाइन है वो है, इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। यहाँ पे सबसे पहले है इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है सबको, तो इंटरोगेशन बन गया, और आपके उसके बाद आपको दिखाते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, तो वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस ऑर्डर, ओके, उसे क्या करना, तो प्रॉपरली अरेंज ना करना, किस लिए, तो पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, इसे कहा जाता है इन्वर्जन। अब ये जो सेंटेंस है, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, इसकी सेंटेंस ऑर्डर करेक्ट नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया इन्वर्जन का। इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा, इज देयर एनीवन टू अटर अ काइंडली वर्ड ऑफ यू नाउ, ये इसका सेंटेंस ऑर्डर है करेक्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन भी दिखाई दे रहा है। अभी ये फर्स्ट स्टांजा के मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बता दिए है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि मैंने सब फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने अपलोड किए हैं सबका मीनिंग आपको मिल जाएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, जहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, तो सभी तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगा, अगर वो आपको समझ गए तो ये सब आपको ईजिली आप खुद भी क्या कर सकेंगे बाद में, तो खुद भी फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट कर सकेंगे पोएम में से। ओके, सेकेंड स्टैंड की तरफ बढ़ रहे, डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग।
ओके सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरोगेशन है ही, अंडरस्टैंड, क्योंकि लास्टली क्वेश्चन मार्क आया है वहाँ पे और पोएट ने क्वेश्चन पूछा है, तो डेफिनेटली दिस इज द इंटरोगेशन। उसके बाद का एग्जाम्पल आपको सामने है, और चर्ली सॉर्ट ऑफ हॉडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा इंटरोगेशन, लास्टली क्वेश्चन मार्क आया है वहाँ पे, और दूसरा दिखाई देगा आपको यहाँ पे वो है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्योंकि द थ्रॉन्ग टी टी साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, देन वर्ड भी आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं, देन का टी, द का टी और देयर का सॉरी थ्रॉन्ग का टी, तो ये लाइन, ये जो वर्ड्स है ये हो गए किसके, तो एलिट्रेशन के। ओके एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके दैट इज द एलिट्रेशन, जब साउंड को रिपीट होते हैं तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद की जो लाइन है वो है, वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे। ओके अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, क्योंकि सेल्फिश एंड सिंपल एस एस यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा, साथ ही साथ और है डब्ल्यू वेयर और वे, तो ये भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके एलिट्रेशन का मतलब क्या है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, एलिट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको मैंने बताया कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, सेम साउंड जब रिपीट होते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, तो एलिट्रेशन कहेंगे। ओके उसके बाद की जो लाइन है, दैट इज द, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर डिड यू डिड टुडे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटरोगेशन, लास्टली क्वेश्चन मार्क है, साथ ही साथ डिड यू डिड, डी डबल ई डी, डिड यू डिड, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, डिड का डी और दूसरे वाला डिड का डी, ये रिपीटेशन ऑफ साउंड है डी, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो डेफिनेटली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद की जो लाइन है वो आपके सामने है, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, ओके दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। ये एग्जाम्पल है किसका, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन, ये इंटरोगेशन का एग्जाम्पल है। ओके साथ ही साथ आपको जो पहली लाइन है, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन भी दिखाई देगा पहली लाइन में। ओके क्योंकि डेज को एक एनिमेट क्वालिटीज दी गई है, ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है स्लीपिंग फास्ट। ओके तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। उसके बाद की जो लाइन है, दैट इज द, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, यहाँ पे आपको दिखा देगा इंट्रोगेशन तो है ही, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा रिपीटेशन, क्योंकि दैट दैट वर्ड यहाँ पे रिपीट हुए, क्योंकि सबसे पहले वाला दैट है और यू पास के पहले भी दैट है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। सिनेकडकी, सिनेकडकी भी दिया है। ओके तो सिनेकडकी कैसे, तो जो ब्रदर वर्ड है वो आप सॉरी ये जो ब्रदर वर्ड यूज किया गया है ये सब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, तो फेलो ह्यूमन बींग, सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे वो जो ब्रदर वर्ड है वो, तो ये एग्जाम्पल रहेगा सिनेकडकी का। सिनेकडकी का इसका मतलब, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसे भी आप जाकर देख लीजिए। ओके उसके बाद की जो लाइन है, दैट इज अ सिंगल रिजॉइसिंग ओवर यू डिड एंड सेड, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा, तो एलिट्रेशन, क्योंकि सिंगल का एस और सेड का एस ये रहेगा रिपीटेशन ऑफ साउंड एस, तो एलिट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके और इसके बाद वहाँ पे आपको सिनेकडकी भी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड आया है कौन सा, हार्ट, ये सब के लिए यूज किया गया, सब पर्सन के लिए यूज किया गया एज अ होल, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो सिनेकडकी का भी। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, ये एग्जाम्पल है इंटरोगेशन का। ओके क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ आपको ये एग्जाम्पल दिखेगा किसका, तो इन्वर्जन का भी। इन्वर्जन का कैसे है, तो सेंटेंस ऑर्डर जो ये प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस ऑर्डर रहेगी तो इसका मतलब ये कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। तो इसकी प्रॉपर सेंटेंस ऑर्डर क्या है, तो डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ लुक अहेड विथ करेज, ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो इन्वर्जन का, और सेंटेंस ऑर्डर मैंने आपको बोली है करेक्ट, मगर पोएट ने एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए लाइन को वहां पे यूज किया गया है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन ऑल्सो। उसके बाद का जो लास्ट स्टांजा है, वो लास्ट स्टांजे की तरफ बढ़ रहे, फोर्थ स्टांजा में सबसे पहली वाली जो लाइन है वो है, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, क्योंकि डिड का डी और डे का डे डी ये जो सेम आपको दिखाई देगा कैसे, तो सेम साउंड के वर्ड है ये,
तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का, वॉज वेस्ट का डब्ल्यू और वॉज का डब्ल्यू, वेल का डब्ल्यू, ये भी है रिपीटेशन ऑफ साउंड डब्ल्यू, तो ये एलिट्रेशन है। सोरली स्पेंट एस एस वहाँ पर रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको इसी लाइन में आपको दिखाई देगा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस कैसे है तो अपोजिट वर्ड्स है, जैसे वेल और सोरली ये अपोजिट वर्ड्स है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा एंटीथेसिस का। उसके बाद आपको ये लाइन में आपको और एक फिगर ऑफ स्पीच दिखा देगा, वो है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी कैसे है तो वर्ड्स कौन से, वेस्ट और लूज, इनका सेम मीनिंग है। ओके तो ये एग्जाम्पल है टॉटोलॉजी का, सेम मीनिंग वर्ड का वर्ड वहां पर आए हैं, तो ये टॉटोलॉजी का एग्जाम्पल एग्जाम्पल वहां पे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ ये इंटरोगेशन का भी एग्जाम्पल है। ओके लास्टली क्वेश्चन मार्क आया है, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार डिसकंटेंट, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का, क्योंकि वहां पे जो डिसकंटेंट है डिससेटिस्फेक्शन, उसे इंडायरेक्टली कंपेयर किया गया है स्कार के साथ, असंतोष को स्कार के साथ कंपेयर किया है निशानी के साथ में, तो ये एग्जाम्पल देगा मेटाफर का। और ये एग्जाम्पल है किसका तो इंटरोगेशन का भी, अंडरस्टैंड। उसके बाद है जो लाइन है आपके सामने वो है, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि गॉड को एक एनिमेट क्वालिटी दी गई है, एनिमेटेड क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है बोलने की, तो गॉड यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओके इज इट क्लियर। और लास्ट की जो लाइन है, यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टूडे, यहाँ पे आपको दिखा देगा एंटीथेसिस, क्योंकि अपोजिट वर्ड्स टुमारो और टूडे यहाँ पर आए हैं, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका तो डेफिनेटली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल है किसका तो इंटरोगेशन का भी। ओके आई होप आपको ये जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताया ये समझ में आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि मैंने हर एक फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियो बनाया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्जन क्या है, एंटीथेसिस क्या है, टॉटोलॉजी क्या है, सिनेक्डकी क्या है, रिपीटेशन क्या है, ओके पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप जाकर समझ सकते हैं। ओके आई होप आपको ये जो पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो ये अच्छे से समझ में आ गई है। आपकी कोई सवाल है या फिर आपकी कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन या अपना यूट्यूब चैनल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।